हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो होगी कि कैसे ऐश सिन्होली हार गया। तो चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। और अगर आप न्यू हो और मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम अरसलान है। आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटा बेल आइकन ज़रूर से दबा के जाइएगा और एक थम्स अप मतलब लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक की जगह आप बताइएगा कि आपको क्यों नहीं पसंद आई। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे कि ऐश ने अच्छे पोकेमॉन का यूज़ नहीं किया। मैं पॉल में ऐश ने किसका यूज़ किया था, नाम गिर रहा हूँ। ऐश ने यूज़ किया था पिकाचू, स्टारप्टर, इन्फरनेप, बूजल, टॉर्टेरा और ग्लाइस्कोर। इतने तगड़े पोकेमॉन पॉल में, और अब मैं उसकी टीम गिन रहा हूँ। टॉबैस से मुकाबले में वो थे हेयरक्रॉस, गिबल, टॉरकोर्स, कैप्टाइल, स्वेलो, पिकाचू। अच्छी टीम नहीं थी बिल्कुल। चलो स्केप्टाइल का यूज़ किया, बहुत ही अच्छी बात थी। स्केप्टाइल एक फुली इवॉल्व ग्रास टाइप पोकेमॉन, लेकिन उसके बाद ऐश ने गिनता हूँ टीम उसके बाद ऐश ने अच्छे पोकेमॉन का यूज़ किया था। दो अच्छे पोकेमॉन, उनका नाम है स्वेलो और हमारा पिकाचू। पिकाचू ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी वो हार गया था, मतलब टाई करवाया था, हारा भी नहीं कह सकते। मैं तुमको सोच रहा हूँ कि अगर ऐश ने अच्छे पोकेमॉन का यूज़ किया होता ना, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर दैट ऐश जीत जाता। वो टोबैर्स फिर क्या चीज़ होती है। ऐश ने अपने अल्टीमेट टीम का यूज़ नहीं किया। सिनो तक ऐश के पास एक अल्टीमेट टीम थी, चारिज़ार्ड था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चारिज़ार्ड था इतना पावरफुल। उसने हेयर क्रॉस का क्यों यूज़ किया, 50% विन परसेंटेज था। अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हेयर क्रॉस सूखी मूली है, मतलब सूखी मूली नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हेयर क्रॉस अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेयर क्रॉस अच्छा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रॉस अच्छा है, लेकिन वो फिर भी हार गया था। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत क्रेडिट तो है क्रॉस को भी देंगे, क्योंकि उसने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन हार तो गया था। मेगा हॉर्न काफ़ी पावरफुल अटैक था। मेगा हॉर्न एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, अच्छा है कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट ऐश ने चुना टॉरकोल। टॉरकोल को चुना क्यों, इतना कम विन परसेंटेज, काफ़ी कम है, मतलब कि सबसे कम जो भी स्टार्टिंग है ना उसके ही आसपास, मतलब ऐसे ही होगा, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे ही होगा। टॉरकोल हेयर क्रॉस एक झटके में टॉरकोल को हरा देगा, आई एम श्योर। चाहे बक टाइप हो लेकिन हरा तो देगा। टॉरकोल के भी अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आयरन डिफेंस काफ़ी हम लोग से बचाती है। अब मुद्दे के बाद में आते हैं कि ऐश क्यों हरा, कि ऐश की अच्छी टीम नहीं थी। ऐश को और इन पोकेमॉन को चूज करने से पहले और अच्छा ट्रेन करना चाहिए था। अगर ऐश ने अपने चारिज़ार्ड को ऐश बुलाता ना लास्ट पोकेमॉन में, जो ऐश ने जो गैरी की टीम चूज की दी थी ना, वो बिल्कुल सही थी। ऐश को वही टीम लानी चाहिए थी, सिर्फ टॉरोस को किंगलर से बदल के। आई एम श्योर ऐश जीत सकता था। गैरी वाली टीम वो सो अमेजिंग, मतलब कि अमेजिंग भी नहीं कह सकते, इतना बुरा भी नहीं कह सकते। सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। स्नोरलैक्स ने काफ़ी मेहनत की थी। स्नोरलैक्स एक भारी भरकम पोकेमॉन होने के नाते ही ऐश जीता, पर ना ऐश हम हार ही जाता
लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि जब उस मैच में गैरी वर्सेस में कि गैरी वर्सेस ऐश में गैरी ने ऐश ने साइक्लिस टॉस करवाया था हैरिसन को, हैरिसन के ब्लिजकिन को, मतलब सेकंड मैच में, लेकिन फिर ऐश उसने फ्लेम थ्रोवर फेंक दी थी, तो ऐसा भी तो हो सकता था ये और ऊपर ले जाता 4000 बहुत ऊपर और फिर बहुत तेजी से घुमाता, उसके बाद घुमाता रहता, मतलब जल्दी लाता नहीं, उसके बाद ऐसे लाता और फिर ऐसे उछालता, फिर ऐसे मुक्का मार के फेंक देता। मगर आपको कुछ ओवर पता नहीं कैसे सही था क्या नहीं, वरना पोकेबॉन कंपनी को इसको एक मैच तो आगे ले जाते, चलो ऐसा तो कर देते कि हैरिसन इस बार नहीं होता, सेकंड मैच में कोई और होता, हैरिसन थर्ड मैच में मिलता, वो अगर थर्ड मैच में मिल जाता पोकेमॉन फैंस को थोड़ा तो सही लगता। अब मैं जोटो की क्यों बात कर रहा हूँ, सिन्हो है, सिन्हो तो सिन्हो में ऐश ने कुछ अच्छा किया, सिन्हो सेकंड आती है, सेकंड आती है, आप पूछोगे किस किस में सेकंड आती है, सेकंड आती है फैंस फेवरेट में, सेकंड आती है हाइपरबी, इन सब में ऐसे पोकेमोन है सिन्हो में जो ड्रैगनाइट को टक्कर के हैं ड्रैगनाइट के। तो दोस्तों ऐश की अल्टीमेट टीम की मैंने वीडियो डाली है, आप उसे देख लीजिएगा 10 की, और अगर आपको जो भी टीम पसंद आए कमेंट्स में नहीं आप खुद सोचिएगा उनमें से कि कौन से पोकेमॉन अगर ऐश अलोला में होता तो ऐश उनमें से किस पोकेमॉन का यूज करता, आप ये सोचो उस वीडियो में, अगर आपको देखनी है तो आप वो जाके देख लो और फिर आप उसमें सोचो कि ऐप अगर आप होते तो आप कौन सी टीम चूज करते इनमें से 10 में से, आप 4 को हटा दो और उनमें से 6 चुनो, कमेंट्स नहीं आप खुद ही सोचो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 एक ये देखे जाइएगा, और अगर आप न्यू हो तो वो बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया ये उनके लिए ही है, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं वीडियोस लाता रहूँगा, अगर उतने भी लाइक्स होंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो ओके बाय दोस्तों, ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो 8 मिनट की हो गई है इसलिए अब ओके बाय।